ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का तो कनेक्शन इंडिया से था ही, अब अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी का भी कनेक्शन इंडिया से है। आपको नहीं पता थी नई बात? आज से पहले मुझे भी नहीं पता थी। ये बात तो तब पता चली जब कांग्रेस के एमपी ने ट्वीट करके बताया। तो क्या है ये पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना के जीतने के बाद भारत में कुछ नेता अपने अपने राज्य का कनेक्शन लियोनेल मेसी से जोड़ने में जुटे हुए हैं। चौंक गए ना? कोई बात नहीं, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। तो हुआ यूं कि असम के बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने इससे जुड़ा एक ट्वीट किया, जिसके बाद उनकी काफी फजीहत हुई। अब ऐसा क्या लिखा उन्होंने, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। तो अपने ट्वीट में अब्दुल खलीक ने मेसी का कनेक्शन असम से निकाला और उन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, जिसके बाद उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या लिखा ये भी जान लेते हैं। तो अब्दुल खलीक ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेसी को दिल से बहुत सारी बधाइयां, हमें आपके असम कनेक्शन की बहुत ज्यादा खुशी है। अब्दुल खलीक के इस ट्वीट के बाद आदित्य शर्मा नाम के एक यूजर ने क्वेश्चन मार्क लगाते हुए पूछा, असम कनेक्शन? तो इस पर अब्दुल खलीक ने जवाब दिया, हाँ इनका जन्म तो असम में हुआ था, अब इंडिया ही है भला यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। खैर वापस आते हैं इस पर। तो इस पर इतना बवाल मचा कि लोग गूगल पर जाकर सर्च करने लगे कि आखिर मेसी का असम कनेक्शन क्या है। लोगों ने उस ट्वीट के नीचे भी पूछा कि क्या ये सच है। इस पर भी अब्दुल खलीक ने हामी भरी, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला। थोड़ी देर बाद ही अब्दुल खलीक ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस ट्वीट के बाद लोगों ने असम सांसद को खूब ट्रोल किया। किसी ने कहा कि जैसे मेसी असम में पैदा हुए हैं, वैसे ही वो उनके क्लासमेट हैं। एक यूजर ने मेसी की फोटो शेयर करके कैप्शन में लिखा कि मुझे आज पता चला है कि मैं असम में पैदा हुआ था। एक यूजर ने एडिटेड फोटो शेयर करके दिखाया कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी अपनी पत्नी के साथ असम आए हैं। एक यूजर ने तो कांग्रेस के सांसद के इंटेलिजेंस पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसने लिखा कि मुझे तो पहले लग रहा था कि ये केवल सोशल मीडिया का जोक है, मगर नेता का बायो पढ़ने के बाद तो अब आप ही समझ जाइए कि क्या होगा इसके आगे। अब नेताजी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। तो जो लोग ये सोच रहे थे या जिनके मन में भी ये गलती से भी ये गलत फहमी पनप रही थी कि मेसी का कनेक्शन असम से है, तो थोड़ा जाकर मेसी के बारे में पढ़ लीजिए। अब जिसने मेरी वीडियो पूरी देखी है उसको तो पता चल ही गया होगा। तो अब ये जानते हैं कि ये सब बात आई कहां से। तो हुआ यूं कि अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीत गई, लेकिन इस जीत के साथ ही लियोनेल मेसी ने कई रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर, सभी नॉकआउट मैच में गोल करने वाले प्लेयर, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मिनट खेले जाने वाले प्लेयर। तो ये सब वो रिकॉर्ड है जो मेसी ने बनाए, जिसके बाद उनकी काफी तारीफ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा था कि ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है। खैर इस वर्ल्ड कप में मेसी ने काफी रिकॉर्ड बनाए, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वो छाए हुए थे, लेकिन इंडिया में वो किसी और ही वजह से छाए हुए थे। क्या था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब करें अनकट को।